नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर कांवरिया पर लगाई गई दुकानों का निबंधन एवं रेट चार्ट प्रशासन द्वारा नहीं लगाने से दुकानदार मनमानी कीमत वसूल रहे हैं। जहां कांवरिया पथ के भूलभुलैया से लेकर दुम्मा बॉर्डर तक सैकड़ों ऐसे दुकान है जहां प्रशासन के आदेश के बावजूद कोई भी दुकानों में मूल्य तालिका वस्तु रेट चार्ज नहीं लगाया गया है। मूल्य तालिका नहीं लगे रहने से कारण दुकानदार कांवरियों से मनमानी कीमत पर खाने पीने की वस्तु बेच रहे हैं, जिससे दुकानदारों द्वारा कांवरियों को आर्थिक शोषण करने का शिकार होने को मजबूर हो रहे हैं। विदित हो कि जिला प्रशासन की ओर से श्रावणी मेला के दौरान कांवरिया पथ पर लगाए जाने वाले दुकानों पर निबंधन मूल्य तालिका लगाने और प्रत्येक दुकानों के आगे डस्टबिन रखने का निर्देश दिया गया था, लेकिन छठे दिन बीतने जा रही है बावजूद आवश्यक निर्देशों का नहीं हो सका है। जबकि कांवरिया पथ निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी अंशुल कुमार व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने चांदन वीडियो राकेश कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देशित किया था कि राकेश पथ लगने वाले सभी छोटी बड़ी दुकानों का निबंधन एवं रेट चार्ट लगवाना है, लेकिन इसमें कोई सुधार होता नजर नहीं आ रहा है, जिससे सरकारी निर्देशों की अवहेलना करना प्रतीत होता नजर आ रहा है, जिसकी खामियां साथ कांवरियों से मनमानी कीमत वसूलने में लगे हुए हैं। एक तरफ दुकान का निबंधन न करने से राजस्व का भी चूना लग रहा है। इस संबंध में वीडियो राकेश कुमार ने बताया कि दुकानों का निबंधन कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। मनमानी कीमत वसूलने वाले दुकानदारों के प्रति चिन्हित करके कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो चीफ उमाकांत शाह। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।